बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबके? आप सबको जुमा मुबारक। और आज जुमे का दिन है, आपको पता है कितनी जल्दी जल्दी होती है। तो ये मैंने पहले से ही गोश्त चढ़ा दिया था, उसमें मैंने पानी डाला है, खड़ा गरम मसाला है, एक तेज़पत्ता है। और ये बिल्कुल फीके बच्चों के लिए और जो मरीज़ हैं जिन्हें परहेजी खाना खाने को कहा है उनके लिए ये बेहतरीन चीज़ बना रही हूँ। क्योंकि अक्सर लोग जो बीमार होते हैं उनके बस यही जहन में आता है खिचड़ी दलिया, तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल फीके हैं, बाद में मैं इसमें स्पाइसेस डाल के कर लूँगी। और ये देखें, एक पाव दाल है और ये हड्डियों समेत मैंने गोश्त लिया है। आपके घर में जो भी हो, जैसा भी गोश्त हो, उसमें हड्डियों, आप परेशान ना हो कि इसमें तो हड्डियां हैं तो ये कबाब नहीं बनेंगे। ये बहुत अच्छे कबाब बन जाएंगे। हड्डियों में तो वैसे ही जूस में इतनी ताकत होती है, सिर्फ इसमें मैंने नमक डाला है, खड़े गरम मसाले। ये देखें, ये बहुत अच्छे से गल गया है और मैं हड्डियाँ अलग कर लूँगी बाद में। ये देखें, इसमें से सारी हड्डियाँ मैंने अलग कर ली हैं, आपको मैं दिखाऊँगी प्लेट में मैंने निकाल के। और आपके पास ये देखें, मथानी से इतना अच्छा मिक्स हुआ, आप यकीन करें, ना सिल की ज़रूरत पड़ी है, ना ग्राइंडर की, किसी चीज़ की नहीं है, मैंने मथानी से ही घोटा है। बिल्कुल फीके हैं, सिर्फ आपने अगर आपके बच्चों को, ये देखें, ये मैंने इसमें से निकाल लिया है। आजकल महंगाई का दौर है, परेशान ना हो, हर चीज़ बनाएं घर में, बच्चे भी खुश होते हैं और आपके हस्बैंड भी। ये देखें, ये मैंने कबाब बना लिए हैं, बहुत ज़्यादा गर्म है, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए जल्दी जल्दी। इसमें मैंने अंडा भी नहीं डाला, अंडे के बग़ैर ये बेहतरीन मज़ेदार कबाब तैयार होते हैं। ये देखें, ये आप टिकिया बना लें, ये गरम गरम है, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, जब आप इसको रिफ्रीज़र में या फ्रिज में रखेंगे तो ये सेट हो जाएंगे, लेकिन ये अभी भी बहुत मज़े के बनेंगे। कम बजट में ये गोश्त के हमारे कबाब तैयार है। अगर आपको चने की दाल कम लग रही है, अगर आपके घर में चने की दाल नहीं है, तो आप इसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं, बैलेंस हो जाता है हर चीज़ का। और ये देखें, मैं इसमें तेल नहीं डालूंगी क्योंकि तेल देर से गर्म होता है, इसलिए मैं घी में बना रही हूँ। दो तीन कबाब आपको दिखाऊंगी और ये ऊपर से मैं खुश्की लगा रही हूँ, आटा जो सिंपल हमारे घरों में होता है। और ये देखें, ये इसमें मैं डालती रहूँगी। आप ये कबाब ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने घर में आपके जो मरीज़ हैं उनको दें, इसके साथ रायता कचूमर बना के दें, वो भी खुश हो जाएंगे, आपको दुआएँ देंगे। बच्चे तो वैसे भी ये कबाब बहुत पसंद करेंगे, बाद में आप इसके सेव करके रख दें इसको, आप इसको आप ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है, ये देखें बग़ैर अंडे के, ये देखें कम बजट में बेहतरीन चीज़ तैयार हो गई है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। ये कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं, मरीज़ खाएं, बच्चे खाएं, और जो मैं आधे कबाब में अपने हिसाब से स्पाइसेस डाल लूँगी, नमक, मिर्चें, हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये मैं हम अपने लिए अलग कर लेंगे। किसी दिन मुझे टाइम मिला तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि वो मैंने कबाब आधे अपने हिसाब से कर लिए थे, आधे बच्चों के, और हमारे जो बुज़ुर्ग ये देखें जो घर में होते हैं उन लोगों के लिए। ये देखें, ये बिल्कुल फीके कबाब हैं, बच्चे इतना पसंद करेंगे, क्योंकि ये देखें कितने सॉफ्ट, ये देखें कितने सॉफ्ट हैं, इसे बच्चे भी बुज़ुर्ग भी बहुत पसंद करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।